अगर आपकी नाभि बाहर की ओर नहीं आ रही है, भीतर की ओर ही है, तो भी आपको टेंशन। जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी बढ़ती है, महिलाओं की नाभि में भी काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। कई महिलाओं की नाभि जो है इस दौरान बाहर की ओर आने लग जाती है। आखिर ये नाभि बाहर की ओर क्यों आती है, ये क्या संकेत देती है, क्या इससे गर्भस्थ शिशु में लड़का या फिर लड़की होने के संकेत मिलते हैं, या इसके क्या कारण होते हैं, ये सारी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जानने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर अगर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों, नाभि जो होती है वो भीतरी तौर पे गर्भस्थ शिशु से गर्भनाल के रास्ते जुड़ी होती है, जिससे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और साथ ही पोषण मिलता रहता है। तो नाभि का इस दौरान अहम रोल भी होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका गर्भस्थ शिशु बढ़ने लगता है, तो ऐसे में आपका जब गर्भाशय बढ़ता है तो धीरे धीरे आपकी नाभि भी बाहर आने लगती है। आपकी नाभि का भीतरी हिस्सा जो है आगे की ओर बढ़ने लग जाता है और आपकी नाभि आपको बाहर आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ ऐसा हो। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी नाभि इस दौरान बाहर नहीं आती है। तो आपको बता दूं कि अगर आपकी नाभि भी प्रेगनेंसी के दौरान बाहर की ओर आ रही है, बाहर की ओर खिसक रही है, तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका गर्भस्थ शिशु आपके गर्भनाल से जुड़ा होता है और बच्चा जो है जब विकसित होता है तो इस दौरान नाभि जो है अपने आप को बाहर की ओर धकेलने लगती है। अगर आपकी नाभि बाहर की ओर नहीं आ रही है, भीतर की ओर ही है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये दोनों कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। कई महिलाओं को नाभि में चेंजेस दिखते हैं, कई महिलाओं को नहीं दिखते हैं। कई महिलाओं की नाभि में ब्लैक कलर की कुछ चीज अंदर बन जाती है जो कि गर्भावस्था का ही एक पार्ट होता है। तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी चीज को लेके बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर में ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मेरी नाभि क्यों इस तरीके से बदलाव में आ रही है। नाभि का बाहर आना या फिर बाहर ना निकलना, ये जो है महिला की हाइट पे भी डिपेंड करता है। जो महिलाएं छोटी होती हैं और वजनी होती हैं, जिनका पेट बाहर निकल रहा होता है, तो उनकी नाभि जो है स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर आने लग जाती है। लेकिन जो महिलाएं लंबी होती हैं, उनके साथ क्या होता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है, उनका गर्भाशय का आकार बढ़ता है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है क्योंकि महिला का शरीर अपने आप में काफी ज्यादा लंबा होता है। तो ऐसे में गर्भाशय ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी नाभि बाहर की ओर ना हो। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से नाभि का बाहर आना या फिर ना आना इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों कई महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि नाभि बाहर आते ही उन्हें खुजली महसूस होने लगती है या फिर नाभि के चारों ओर खुजली होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे में अपने नाखूनों से खुजली नहीं करनी है, अपने नाभि में किसी भी तरीके की चीज को नहीं डालना है। जैसा मैंने आपको बताया, आपका जो गर्भस्थ शिशु होता है वो गर्भनाल से जुड़ा होता है, नाभि इसमें अहम रोल प्ले करती है। तो आपको जो है इस दौरान अपनी स्किन को खरोचना नहीं है, खुजली नहीं करनी है। नाभि में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। नाभि के भीतर दोस्तों इस दौरान हो सकता है कई बार गंदगी जम जाती है, मैल जम जाता है, तो ऐसे में आप नाखूनों से इस मैल को नहीं निकालना है। आपको इसके लिए कोकोनट ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं और इसके बाद आप इसे कॉटन से बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन आपको इसमें जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको ये दर्द ज्यादा बन रहा है नाभि में या फिर नाभि के चारों ओर दर्द हो रहा है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी तरीके का इन्फेक्शन हो। तो आपको नाभि में इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि नाभि जो है गर्भनाल से जुड़ी होती है, इसलिए नाभि आपकी सही होनी चाहिए, इसमें दर्द वगैरह या किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जेंडर प्रिडिक्शन से लेके भी नाभि को जोड़ा जाता है कि नाभि अगर आपकी बाहर की ओर है तो आपको बेबी बॉय होता है और नाभि अंदर की ओर है तो ये लड़की होने के संकेत देता है। तो आपको बता दो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने इसके सटीक रीजन दे दिए हैं कि नाभि बाहर क्यों निकलती है, नाभि कब अंदर रह जाती है। तो ये जो है बच्चे के गर्भ में लड़का या लड़की होने से कहीं भी कोरिलेट नहीं होता है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरी दो बेटियां हैं, दोनों टाइम पे मेरी नाभि जो है बाहर की ओर थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके के जो दावे होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते हैं और आपको इस तरीके के दावों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों अब आप नाभि से रिलेटेड सारी
जानकारी जान चुके होंगे कि नाभि में दर्द हो तो आपको क्या करना है। बहुत सारी महिलाओं को नाभि में दर्द होने की शिकायत इस दौरान रह जाती है। तो नाभि कब बाहर रहती है, कब भीतर रहती है, ये मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पेज में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।